पे जो जो क्वालिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। सर हम जब भी एक्वेरियम में टूर्नामेंट वगैरह खेलने आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हर बार फेयर डिसीजन होते हैं यहाँ, तो सबसे अच्छी बात ये है। और सर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ के एम्पायर जो हैं वो लगभग स्टेट या फिर नेशनल लेवल के मैचेस करवाने जाते हैं, तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है, जैसे यहाँ पर एक लेवल मिल जाता है उस प्लेयर्स के लिए कि मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उनके लिए अच्छे मैचेस मिल जाते हैं, अच्छा लेवल मिलता है, प्राइस मनी भी बहुत अच्छा रहता है, और अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत हमेशा बढ़िया मिलती है रैकनेक के साथ हमेशा। ये तो मैंने देखा है, मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पे, रैकनेक के सारे टूर्नामेंट लगभग मैंने खेले हैं, और काफ़ी अच्छा इनका अरेंजमेंट और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी रहती है। टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा था, अरेंज बड़े अच्छे से कराया था, कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और सबसे अच्छी बात यहीं पे कैंटीन है, यहाँ जाके बाहर नहीं जाना पड़ेगा खाने पीने के लिए। ये और बिल्कुल बच्चे कहीं कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि कहीं कंजेस्टेड हो या इस टाइप से, और खिलाने वाले भी अच्छे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आ रखे हैं। ओके। रेफरीज बहुत अच्छे हैं, डिसीजन बहुत देख के देते हैं। ओके। और ट्रेंड है सारे, कोई भी ऐसा नहीं है बिना देखे दे रहे हो। जो ऐसा एनवायरनमेंट, जो ऐसा डिसिप्लिन और जो ऐसा बच्चों का सहा, मुझे किसी टूर्नामेंट में नहीं मिलता। जो कोई भी स्पोर्ट्स में है, चाहे वो बैडमिंटन है, टेनिस है, क्रिकेट है, या कोई भी एथलेटिक गेम है जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उनके लिए, तो अगर आप देखो उनको, तो उनको ग्राउंड ट्रेनिंग तो बहुत मिलती है, बट उनको जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि एक उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेम के लिए, उनकी फिटनेस के लिए, तो वो क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उन्हें कितना खाना चाहिए, उनका इनपुट और आउटपुट, वो कितना खर्च कर रहे हैं अपनी एनर्जी, कितना यूटेक कर रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी एक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छे से दे सकता है। तो हमने उनको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की फैसिलिटी, फिजियोथेरापिस्ट की फैसिलिटी, मतलब कि कभी भी स्पोर्ट्स है तो चोट लगेगी ही लगेगी, तो कभी भी अगर उनको किसी फिजियोथेरापिस्ट की रिक्वायरमेंट है तो उनके पेरेंट्स या वो खुद कभी भी हमारे फिजियोथेरापिस्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, और एक सलूशन ले सकते हैं।